दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे नॉइज पे। टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर का प्राइस थोड़ा अभी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो है देखेंगे तो 1084 रुपीस के आसपास शेयर अभी चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का। टाटा टेक्नोलॉजी का Q4 24 का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया था, जिसके बाद देखेंगे तो शेयर के प्राइस में जबरदस्त जो है शेयर का प्राइस डाउन हुआ था। फिलहाल अभी शेयर यहाँ से तेजी बना रहा है, तो क्या करना चाहिए टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में? टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर को लेकर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि हो सकता है कि ये शेयर जो है 1250 के आसपास भी पहुंच सकता है, 1200-1250 के आसपास। देखिए 1200-1250 के आसपास हो सकता है कि ये शेयर पहुंचे, उसके लिए थोड़ा समय होल्ड करना पड़ सकता है। कंपनी अगर देखते हैं टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अभी यहाँ पे टेक्निकली टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर कैसा है, क्या ये शेयर यहाँ से रिटर्न दे सकता है टाटा टेक्नोलॉजी का, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पर पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर का प्राइस जो है एक जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे दिया है कुछ ही दिनों में। दोस्तों एक दिन में देखते हैं तो 3.3% ये शेयर रिटर्न दिया है, एक हफ्ते में बात करते हैं तो 3.6% ये शेयर ने रिटर्न दिया है, वन मंथ में 0.2% ये शेयर डाउन हुआ है। दोस्तों एज ए कंपनी देखेंगे मतलब टाटा टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं जो कि 65 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन की बात करते हैं 12.20 है आउट ऑफ 100। मोमेंटियम 25.20 है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर का जो वन मंथ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए वन मंथ में टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर है जो एक हाई प्राइस बनाया है, जो कि 1109.85 पैसे का इसने एक हाई प्राइस बनाया है। 1109.85 पैसे का इसका वन मंथ का हाई प्राइस है, और जो लो प्राइस बनाया है टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर ने वन मंथ में 1005 रुपीज़ का। एंड एक हफ्ते की बात करते हैं जो कि जो हाई प्राइस है 1109.85 पैसे का, और जो लो प्राइस है 1042.55 पैसे का। तो फिलहाल अभी जो इसका लो प्राइस है 1042 रुपीज़ के आसपास शेयर चल रहा था, यहाँ से एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया शेयर जब 1084 के आसपास चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है टाटा टेक्नोलॉजीज का दोस्तों 43,992.997 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टाटा टेक्नोलॉजीज का जो Q4 24 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया था मतलब इसका टेक्निकली बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर को लेके, टेक्निकली ये शेयर जो है एक 42 लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहा है टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर जो है एक बोल से ये शेयर जो है एक बोल सकते कि जो है ना कि इसमें ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवर सोल्ड लेवल पे। मतलब इसमें अगर देखेंगे तो जो बोल सकते कि जो MACD इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर एक 42 लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए मतलब शेयर बोल सकते हैं कि अभी उतना ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है टाटा टेक्नोलॉजीज का। अभी यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स बहुत ही मजबूत है, प्रोमोटर्स के पास 55.39% का स्टेक है, FIIs के पास 1.1% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 1.14% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 0.5% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 41.88% का स्टेक है टाटा टेक्नोलॉजीज का। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज में अभी मतलब जिससे भी ज़्यादा प्राइस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए। थोड़ा समय होल्ड करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में तो जाके हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में रिटर्न देखने को मिले। अभी कंपनी का जो है यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है टाटा टेक्नोलॉजीज एक ऑलमोस्ट जो है डेब्ट फ्री कंपनी बताया जा रहा है, एक डेब्ट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी का मतलब अभी जैसे कि शेयर का प्राइस जो है देख सकते हैं जो कि इसका जो बुक वैल्यू है उससे 13.7 टाइम्स में चल रहा है, ट्रेड कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर का प्राइस जो कि 1084.85 के आसपास चल रहा है, तो इसका जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा है अभी। एंड मतलब जो ट्रेड हो रहा है टाटा टेक्नोलॉजी का अभी यहाँ पे शेयर अभी यहाँ पे जो बोल सकते हैं कंपनी जो है मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिट ये कर रहा है। फिलहाल अभी कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है इन्वेस्टर्स को, एंड वर्किंग कैपिटल डेज जो हैव इंक्रीज फ्रॉम 44 डेज टू 70.6 डेज। तो अभी यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी का जो मैनेजमेंट है इनका कहना है कि इनके पास बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसका मतलब देखेंगे तो 50 मिलियन के आसपास जो मतलब 10 मिलियन 15 मिलियन ऐसे जो ऑर्डर्स है ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कंपनी का। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का जैसे कि बोल सकते कि बिजनेस जो है इसका अगर देखते हैं तो बिजनेस प्रोफाइल में देख सकते हैं कंपनी जो है बिजनेस में देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी जो है इसका जो सब्सिडरी है टाटा मोटर्स एंड इस पार्ट्स ऑफ टाटा ग्रुप। कंपनी जो है यहाँ पे बोल सकते कि 19 ऐसे ग्लोबल जो है सेंटर्स है कंपनी का स्प्रेड जो कि है जो कि अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, जहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है कंपनी का बिजनेस जो है मतलब बहुत ही मजबूत है। एंड यहाँ पे मार्केट जो है लीडरशिप की बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी जो हैज़ बीन
पोजिशन इन द लीडरशिप जोन बाई जो कि जिनोबा जोन है फॉर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रेटिंग्स। तो अभी यहाँ पे बोल सकते इसको जो है मार्केट लीडर का भी एक रेटिंग मिला है टाटा टेक्नोलॉजीज को। अभी कंपनीज ऑल्सो रैंक फर्स्ट एमंग ऑल इंडिया बेस्ड ERND सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इज एमंग द टॉप टू ग्लोबली इन इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एक बोल सकते कि मार्केट लीडर बताया जा रहा है, मार्केट लीडर का इसको एक रैंकिंग मिला है। एंड कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की बात करते हैं जो कि 40% कंपनी का जो रेवेन्यू है कम्स फ्रॉम इट्स टॉप टू क्लाइंट्स। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के ऐसे मतलब दो क्लाइंट्स है जहाँ से इसको मतलब 40% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी यहाँ पे कंपनी का बात करते हैं मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज का जो इंटरनेशनली प्रेजेंस है, इंटरनेशनली इसका प्रेजेंस जो कि 35 ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव OEMs एंड Tier 1 सप्लायर्स एंड मोर देन 12 न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनीज में, जहाँ पे देख सकते एशिया में इसका बिजनेस, एशिया पैसिफिक, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं इंडिया के बाहर जहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस है। दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज का अभी जैसे कि Q4 24 में इसका कंपनी का बोल सकते कि जो रेवेन्यू बोल सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का या फिर प्रॉफिट बोल सकते कि उतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिला है, जिसके चलते शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है। और अभी फिलहाल शेयर में जो फिर से एक बार तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी देखिए कंपनी का जो Q4 24 में इसका सेल्स वगैरह है, यहाँ पे देखते हैं सेल्स देखिए इंक्रीज़ हुआ है जो कि 1289 करोड़ का सेल्स था वो इंक्रीज होकर 1301 करोड़ का हुआ है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं 1053 करोड़ का था यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का जो है जो कि यहाँ पे देख सकते इंक्रीज होकर 1061 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 237 करोड़ से जो यहाँ पे इंक्रीज होकर 240 करोड़ हुआ है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं 235 करोड़ से जो यहाँ पे देख सकते 235 करोड़ से जो है इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इंक्रीज होकर 231 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 170 करोड़ से जो यहाँ पे रिड्यूस होकर, माफ़ कीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है 235 करोड़ से रिड्यूस होकर 231 करोड़ का हुआ है। एंड जो इसका नेट प्रॉफिट है 170 करोड़ से रिड्यूस होकर 157 करोड़ हुआ है। तो कंपनी का उतना कुछ खास अभी बोल सकते हैं कि Q4 24 में फाइनेंशियल जो इससे इन्फॉर्मेशन शेयर किया है जहाँ पे कंपनी का उतना कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है। सेल्स कंपनी का थोड़ा बहुत बोल सकते कि इंक्रीज हुआ है, उसके चलते देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट वगैरह बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट वगैरह उतना कुछ खास नहीं हुआ है। अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इनका कहना है कि कंपनी के पास टाटा टेक्नोलॉजीज के पास बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, हो सकता है कि इसका Q4 24 25 में जो है फाइनेंशियल 24 25 में जो इसका बिजनेस जबरदस्त जंप हो सकता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बड़े बड़े। तो आपको कैसा लगता है टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर दोस्तों, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल अभी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इसके चलते बोल सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर के प्राइस में ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए। टेक्निकली शेयर उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, शेयर का प्राइस अभी लगभग 1084-85 के आसपास चल रहा है। तो अभी यहाँ से अगर देखेंगे तो एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में, हो सकता है कि आगे चल के ये शेयर में एक अच्छा खासा रिटर्न बनाए। कंपनी एज ए कंपनी मतलब कंपनी देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक मार्केट लीडर का रेटिंग भी मिला है टाटा टेक्नोलॉजीज को, इसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिसके चलते इसका बिजनेस आगे चल के जंप दिया है। अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।